हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमारी आज की इस तकरीर के मेहमान खुशी और सहाफियों से प्यार करने वाली वो शख्सियत जो हमेशा हमें दिल से लगा कर रखती हैं, इज्जत मां बिशप हमदी पीटर साहब हमारे दरमियान आ चुके हैं। आपसे दर्शक तालियां बजाकर बिशप साहब से, पास्टर मजीद देवल साहब से और फादर जी से कि वो यहाँ तशरीफ ले आए मेहमानों वाली नशस्तों पर, और आप एक बार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। इसके साथ साथ हमारी जो खवातीन जो मेम्बर हैं यहाँ पिछली जैद की एक मेम्बर है रुबीना यूनस और उनके साथ जो हमारी 24 की एसोसिएट प्रोड्यूसर नूरुल ऐन तशरीफ आई हैं, उनसे भी गर्व है कि वो आगे तशरीफ ले आए यहाँ। मैं आने वाले तमाम मेहमानों का खासकर जिक्र करके उनके साथ खुशामदीद कहता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिशप साहब बिशप पेशावर डायसिस हैं और ये हमारे लिए खुशी का मकाम है कि वो आज भी दूर से हमारे साथ किस्मत सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सीरिया की तरफ से और पाकिस्तान भर के उसी साहब की तरफ से बिशप साहब का खुशी का शुक्रगुजार हूँ, और मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि फादर जी पहले बता रहे थे कि इस साहब की प्रेस की बिल्डिंग के बाहर बहुत कम होते हैं, बिशप साहब उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने सबसे पहले हमें मौका फराहम किया, जमीन ने हमारी मेजबानी की और वो मेजबानी हमें हमेशा याद रहेगी। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा हमारी इस जो सहाफी का कार्ड है उसकी रूहे अवाम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर और इस प्रोग्राम का इंतजाम करने वाली शख्सियत जो अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद हर साल ये कोशिश करती है कि पाकिस्तान भर के साथ भी यहाँ पर इकट्ठे हों, जनाब काफी जवाब साहब से वो आए बिशप साहब को वेलकम करें। हमारे मुख्तसर तारुफ है इस प्रोग्राम का संदीप का वो पेश करें, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खुशी की बात यह है कि तमाम दोस्त दूर दूर से हमारे इस ईवेंट में शामिल हुए, हमने वेलकम कर लिया और फादर जी ने पूरे कर रहे सीजीआर के राघव अम्बासर मिशन लीडर के डिटेल से बात की। शायद इस हाथ में बैठे हुए सारे लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि एक सहाफी एक रिपोर्टर किस तरह खतरों में से गुजर गए, मुश्किल में से गुजर गए, बम चल रहे होते हैं, गोलियां चल रही होती हैं, दहशतगर्दी हो रही होती है, गर्मी में सर्दी में धूप में रिपोर्टिंग कर रहा है, खबर नहीं आ रहा है। और वो खबर जो हम तक पहुंचती है शायद हम सोचते हैं कि यानी ये खबर आ गई, हमने कभी गौर ही नहीं किया ये खबर किस तरह की मुश्किल में से गुजर के हम तक पहुंची, लेकिन इसके पीछे उस सहाफी की उस लिखारी की एक लंबी जद जो होती है, बहुत सारे खतरों में से रिस्क में से गुजर के वहां तक हम जा रहे हैं। लेकिन हमने शायद कभी इन सहाफियों को उनकी खिदमत को उनकी आवश को कभी कभी रूप पेश नहीं किया, हमने कभी सोचा नहीं कि सहाफी किन खतरों में से गुजर रहा है, कौन सी थ्रेट फेस कर रहा है। शायद इस हाल में बैठे बहुत सारे लोग जानते हो कि हमारे एक सहाफी दोस्त कैमरामैन जो जियो के कैमरामैन थे डेरा गाजी खान कैश से गए, उनको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह बहुत सारे और सहाफी जो है वो अपनी पेशा वाला जबरदार में पूरी करते करते जान हो गए। हमें अब वक्त है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि खबर के पीछे कौन सी खबर है, और ये ना हो कि आने वाले वक्त में सहाफी खबर देता जाता है खुद खबर बन जाए, जब वो खुद खबर बन जाता है तो उसकी फैमिली के लिए कौन सा नुकसान खबर होता है। और उन मसाइल से निपटने के लिए हमने सोचा कि हम कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करें जो पूरे पाकिस्तान में लगा, जिसमें वो तमाम सहाफी जो छोटे बड़े लेवल पर काम करते हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं, हम उनको जोड़ने को सामने के चले ताकि मिलकर एक अच्छी आवाज बन सके और सारा तरीके से अच्छे तरीके से इंसानी हकूक की बात कर सके, मिनोरिटीज की बात कर सके, प्रोसिक्यूशन की बात कर सके, ट्रांसजेंडर्स की बात कर सके, खवातीन की बात कर सके, बच्चों की बात कर सके
और बादशाह को तमाम बदले में दुख सुख उनकी बात कर सकें। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी पाए जाते हैं, ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया कहा, लास्ट में बात की उन्होंने जिसकी एलिमिनेशन पर बात की, पोस्ट प्रोविजन पर बात की। हमें इन चीज़ों के इफ्स को क्या लगा, क्या कभी हमने और किया, क्या हमारे चर्च ने, हमारे दावा ने, हमारे यूनिवर्सिटी ने या हमारे दूसरे समाजी और सियासी इलाके कभी उन्होंने और किया, क्या कभी हमने सोचा है ये खबर हम तक कैसे पहुंची। मंजूर मसीह जब इस मार और उसको मारा गया उस वक्त बहुत सारे सामने की रिपोर्टिंग कर उस बाइक के साथ साथ था, लेकिन गोली दूर को लगी बाकी लोग बच गए। तो सहाफ़ी जो है वो अपनी जिंदगी को हर मुख्य खतरों में से गुजारना होता है। हम अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि हमें बिल्कुल काम करने की जरूरत है, इन सहाफ़ियों का साथ देने की जरूरत है, ताकि हम मजीद माशरे की बुराइयों को, माशरे के काम को सामने लाना, उसकी निशान नहीं करके उसको हल रोक सकें। वो कि आज हमारे पास घर के रिपोर्ट मजबूत थी लेकिन चले, हमने उनकी इसलिए मदद किया था कि सहाफ़ियों को भी इंसानी हकूक है, वो भी इंसान। क्या कहीं ऐसा कोई इंसानी हकूक के दावों के बाद भी सहाफ़ियों के हवाले से उनके मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इन्हें प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन शायद अभी वक्त है कि हमें सोचना पड़ेगा, हमें गौर करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा और हमें इससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो क्रिश्चियन जनरल एसोसिएशन है इसका बुनियादी मकसद यही है कि सहाफ़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको मजीद सोशल मीडिया की तरफ या दूसरे टूल्स हैं हम उसकी तरफ लेके जा सके, ताकि हमारी जो बात है कभी कभी ये भी होता है हमें भी साफियों को भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो शायद हमारे खबर को तरजीह देता है, उनके लिए नॉट ही खबर जो इतनी अहम नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको शोर चाहिए, बिजनेस चाहिए, सियासत चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, लेकिन वो आसिया बेबी की या वो नीलम कुमारी की या पीटर की डेवन की सिलेक्शन के लिए बात करने को तैयार नहीं है। शायद वो हिंदुओं की और रसियों की सिखों के मसले को समझ नहीं पाते हैं, उनके मसायल को शायद उसका अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ। हम समझते हैं कि हमारे जो मसीही साथी हैं इनको और मजीद सपोर्ट किया जाए और टेक्निकल बनाया जाए और उनकी भावों को बिल्ड करके आगे लेके जाया जाए, ताकि हमारे माशरे में जो पाकिस्तान की मजहबी क्रियतें हैं, जो मजहबी ग्रुप्स हैं, उनकी जो बात की जा सके। हमारा बुनियादी मकसद यही है, हम दोस्तों के प्लेटफॉर्म बनाए और खुशी की बात यह है कि पिछले 3 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारे प्राइवेट दोस्तों के पास गुरुजी साहब है और बिशप साहब, बिशप शावर, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप लोग किसानों से इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास आए हुए बहुत वेलकम करते हैं, करते हैं। हम ये समझते हैं कि चर्च के साथ, समाजी दलों के साथ मिलकर हमें पाकिस्तान के मसीह साहबियों को और मजीद की जरूरत है, उनकी एक्सपर्टीज को और बेहतर करने की जरूरत है, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, ताकि चर्च इनके साथ खड़ा। हमें उम्मीद है चर्च ने डर के भी सपोर्ट किया और हमें यह भी उम्मीद है कि चर्च हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा है, ताकि हम और बेहतर तरीके से बात कर सकें और मसाइल को शामिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज मैं आशीष से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 2 साल पहले आपने एक नई स्टार्टअप शुरू की और इसको चलाना आसान नहीं है, मुझे पता है चैलेंजेस हैं, लेकिन सो फार सो गुड। चार प्रोग्राम उसका देख चुका हूँ। पारे जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आल्सो योर कंट्रीब्यूशन। It's always a great meeting. This is our Daim Sahab or Kashif, the people who did our Nagnar Aitam classes. Thank you for such a meeting like you, Nasir. Khuda wala aapko aur zyada apne zalal ko istemal kare. Jo challenges hain aapke liye, unko उनको फेस करने और उनको दूर करने की भी तौफीक दें। जहाँ तक हो सकेगा मुझे उम्मीद है कि हम पहले की तरह
आपसे मिलके कोशिश करते रहेंगे कि कुछ हालात और बेहतर हो। मुझे चार चैलेंज का पता है जो आप ईरान में आते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप फिर भी बड़ी वफादारी से केयरफुली आप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में होना, यहाँ पे जर्नलिज्म करना और फिर एज क्रिश्चियंस काम करना, ये डबल जेपर्डी है। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने दिनों में आप सबके साथ मिलकर हम कुछ ना कुछ बेहतरियाँ पैदा कर सकें। मुझे अभी काशिप ने कहा कि आप क्रिसमस मैसेज शेयर करें। दरअसल ये काशिप का एक तरीका था मुझे रोके रखने का, थोड़ा सा ये भी सीजन होता है और इतने सारे प्रोग्राम इकट्ठे हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और मैं भी तारीख कह रहा हूं, प्यारा नेशनल डे, मैं एक छोटा सा थॉट था आज का क्रिसमस के ताल्लुक से रेडियो पे ना सुना मेरी पास में गया आकाश गिल स्टार मेरी पास में जब वो आए लिखा है कि पूरब में एक सारा आदमी देखा था, और उस तारे को देखकर वो चलते आए और आखिरकार वो पैलेस के करीब चले। मुझे नहीं लगता कि स्टार को पैलेस के पास लेके गया था। स्टार को फॉलो करते करते जो उनकी प्री ऑक्यूपेशन थी, बादशाह को हम ढूंढने जा रहे हैं तो वो पैलेस नहीं होगा। इस वजह से एक वक्त बीच में ऐसा आया कि उनकी नजर रुकी वो स्टार से हट गई, जो उनका गाइड बना था तब, जो वांटेड गाइड था उधर से उनकी जो हटी, और वो अपनी प्री ऑक्यूपेशन के साथ वो बादशाह के पैलेस में चले गए। स्पेशली एज क्रिश्चियंस मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम किसी भी फील्ड में, चाहे हम क्लर्की हैं, चाहे हम जर्नलिस्ट हैं, किसी भी फील्ड में जब हम अपना काम ये सोच कर करते हैं कि इस वक्त क्या ज्यादा पॉपुलर है, क्या ज्यादा एक्सेप्टेबल है, किस तरह से हम ज्यादा रिसोर्सफुल हो सकते हैं और अपने काम उस हिसाब से करेंगे, तो जिस पर्पज के लिए खुदा ने हमें अपॉइंट किया है, हम उससे दूर हो जाएंगे। हमारी वैल्यूज, हमारा पर्पज, हम उससे हट जाए। और इसी वजह से जर्नलिज्म में भी, चर्च में भी, और भी जितने हम क्रिश्चियन लाइफ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओस को, बहुत शिद्दत से हम महसूस करते हैं कि somehow we are all missing the mark। जहां पे हमें होना चाहिए हम वहां पे नहीं है। और सिर्फ ये नहीं है कि जर्नलिस्ट को चर्च की क्लर्जी, मैं समझता हूं कि चर्च को भी आपकी, हम सब मिलकर अपना फोकस जो है हम उसको फिक्स करें। इट शुड बी एन एजुकेटेड एंड गाइडेड एक्यूरेट फोकस। इस तरह से हम ये हासिल करेंगे। कितना ज्यादा खतरा पैदा हो गया, दोनों साल के बच्चों को मर्डर कर दिया, शायद कौन से की गलियों में जो चीखने चलाने का शोर था वो भर गया, बिकॉज सेवरल पीपल जिनको गाइड किया भी जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने वो गाइडेंस को छोड़ के अपने तरीके को अपना लिया, एंड दे वेंट टू द रॉन्ग प्लेस। लेकिन जब हम वहां से निकले तो फिर लिखा है कि वही द सेम स्टार उनको उस जगह पे ले गया, ना वो किक ले गया, ना पैलेस का कोई ऐसी उनको गाइडेंस मिली। दे हैड टू कम बैक टू द सेम स्टार।
अगर आप मसीही हैं तो हमें मसीह से शुरू करना है। इब्रानियों के खत में लिखा है आपने जो जो हमारे चैलेंज है कि ईमान के बांधों और कामिल करने वाले यीशु को तकते हैं। We have to keep our focus on Jesus Christ. अगर मसीह से फोकस हट जाए तो भले हम कलंकी हों, भले हम चर्च जर्नलिस्ट हों, हम मसीही नहीं होंगे। हमारा जो मास्टर है वो जीसस क्राइस्ट नहीं होगा। और मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है, बहुत गरीब घर से चले और चलते चलते यहाँ पहुंचे हैं, मैंने देखा है कि जब हम अपना फोकस यीशु पे रखते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत और चैलेंज रोक सकता नहीं है। नथिंग कैन स्टॉप अस। तो दे केम बैक टू द स्टार और द स्टार उनको वहां ले गया जहां पे उनका पर्पस था, जहां के लिए उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया था और फिर जाकर उन्होंने उसको सिजदा किया। और ये जो स्टार है आई थिंक इट्स वी हैव टू सी एज अ मिरेकल। हमारी जिंदगी में कामयाबी और सक्सेस आ नहीं सकती जब तक ये डिवाइन लाइफ डिवाइन मिरेकल हमारी लाइफ में ना हो। विदाउट ग्रेस वी कैन नॉट रीच एनीवेयर। विदाउट डिवाइन गाइडेंस वी कैन नॉट फाइंड आवर पर्पस एंड आवर डेस्टिनेशन। तो ये जो हमारा गवाही का जो सवाल है जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत कमजोर सवाल है, हम सब को मिलके we have to commit, recommit ourselves and we need to come back to where God wants us to be. ये जो Christmas है ये बस एक रिवाइव बन के रह गया है। मुझे आज किसी मुस्लिम दोस्त ने पूछा ये क्रिसमस ट्री का क्या मतलब है, मैं कहा भाई का आपको बताओ क्या बताऊँ, इसका कोई क्रिश्चियन मतलब नहीं, इसका कोई हमारे फेथ के साथ अलग नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि क्रिसमस जो है जीसस होगा हमारे लाइफ में, क्रिसमस ट्री होना चाहिए फिर ही क्रिसमस सेलिब्रेट होगा। तो हमें इस चैलेंज को अंडरस्टैंड करना है कि क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, मंजिल क्या है खुदा की सुनसी, क्या हम वहां तक पहुंचे और फिर वहां से वी टेक आवर चैलेंज एंड आवर गाइडेंस एंड देन वी मूव ऑन टू कंटिन्यू द वर्क दैट जीसस स्टार्टेड। अगर हम मसीह की मान नहीं बनते तो हम मसीह होने के जॉय को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, या आपकी चांदी जुम्मे है, आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, आप अपनी रूटीन में खुदा का कलाम कितना इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये कैमरे के सामने बता दूं, बाद में किसी को पकड़ना चाहे तो पकड़ ले, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप मसीह नहीं हैं। अगर खुदा के कलाम के साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं तो आप मसीह नहीं हैं। हो नहीं सकते। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के वो लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते, वो जो दुआ नहीं करते, खुदा के साथ जुड़े नहीं हुए, वो कैसे मसीह हो सकते? कैन नॉट। तो ये चैलेंज मैं आज आपके सामने रखता हूँ। आई हैव टू मेक माई टॉक नीड टुडे के लेट्स करेक्ट आवर फोकस। अगर हम जर्नलिस्ट हैं सिर्फ तो फिर जो मर्जी है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन जर्नलिस्ट हैं तो फिर क्राइस्ट से हमें शुरू करते हैं। और ये क्रिश्चियंस जो है ये हमारे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है दैट वी ब्रिंग अस अप बैक टू वेयर वी नीड टू बी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
ਸੀ ਕਿ ਸੁਣੋ
उनके मसायल को उजागर करने के लिए
धूप छाओं में मुश्किलात में हमेशा दूसरों की आवाज बनते रहते हैं और बने रहते हैं। जो लोग व्यवस्था हैं वो यकीनन ये जानते हैं कि किस कदर मसाइल जो है वो आड़े आते हैं, और खसूसी तौर पर माशी बदहाली जो होती है वो तो तमाम तबकात के लिए एक लम्हा फिक्रिया होती है कि किस तरह इन मसाइल को हल करना है। बल्कि मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो हिम्मत करते हैं वो यकीनन तरक्की के रास्ते उनके लिए हमवार रहते हैं। हमें हिम्मत करनी है। और काशिफ भाई, एक बार फिर सुबीर अहमद साहब अपनी पूरी टीम को जो इस फोरम के की जान है तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो हम जैसे जो इतने मसरूफ तरीन लोग हैं, जो सियालकोट से निकलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन आप वो लोग हैं जो हमें भी ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि हम भी वक्त में से वक्त निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवेद मुसा। हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। अब से चंद लम्हात के बाद, थोड़ी देर के बाद हम हमारे जो मोजस मेहमाना ने ग्रामी हैं उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारफ कराना चाहता हूँ हमारे दरमियान यहाँ दुनिया टीवी से बाबा रियाज साहब मौजूद हैं, CN24 से कैमरा मैन नाजर साहब हैं, उनके CEO साजिद तौरी साहब हैं, ये CJF के मेम्बरान हैं, News24 से MA रहमान साहब हैं, और News24 पॉइंट से शेख नईम साहब है कैमरा मैन, तारक प्यारा साहब है नेशनल न्यूज से, और नेशनल न्यूज नामा के मतलब खूबसूरत जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे डॉक्टर फ्रांसिस उदाहरण साहब, अगर वो यहाँ पर आज सारे क्या ना करेंगे तो अपना चेहरा दिखा देंगे तो हमें वही खुशी होगी। और इधर से फैसलाबाद से शमन साहब साहब, ये आईएमटी के कोऑर्डिनेटर हैं, CJF के मेंबर हैं, आप दोनों अपनी जगह पे खड़े हो जाए और इनके लिए भरपूर तालियां। लेकिन ये हमारे साथ एक मिसाल है, नाम साहब आपने किया था, लेकिन मोनोटाइज होने के बाद उन्होंने अपने एंकर्स भी रखे हुए हैं, रिपोर्टर्स भी रखे हुए हैं, खुद भी अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनके लिए तालियां, हमें इसे भी सीखना चाहिए। और यहाँ ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं कि हमने लगे हुए बड़े स्किल्ड पर्सन है, सब आप जब हम मरी से आए थे, शायद अमीर साहब हमारे साथ बैठे हुए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने अपने अखबार में पूरा सप्लीमेंट शाया किया, खुद मैंने 2-3 अखबारों में कॉलम लिखा, फिर ये सारे यूट्यूब जो चैनल हैं उन पर सारा कुछ लिखा गया, तो ये हमारे लिए अपनी किस्मती की बात है। जो हमारे क्रिश्चियन जर्नलिस्ट हैं उनमें से मोस्टली लोग स्किल्ड पर्सन है, वो खा रहे हैं कमा रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी सरपरस्ती इंतहाई जरूरी है। अब मैं गुजारिश करूंगा फैसलाबाद की नुमाइंदगी के लिए जनाब डॉक्टर सलामत साहब से कि वो आए और मुख्तसर इजहार याद करें, ताकि उसके बाद हम अपने मेहमाना ने ग्रामीण की उनकी बात सुन सके। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ये क्रिसमस का मौका है, खुशियों का मौका है। हम जब मई में थे तो हमने वहाँ सीखा और इंजॉय भी बहुत किया। हमारे साथ एक बहुत सीनियर सहाफी हैं एजाज जावेद साहब, ये पहले जियो न्यूज से वाबस्ता थे, काफी अर्सन काम किया, फिर डॉन टीवी में है आजकल कैमरा मैन, तो ये बड़ा उत्सुक ने वहाँ टैबलो पेश किया था सुहेल बड़ाई साहब का, इसके बाद मैं कहूंगा कि वो यहाँ पर आके वो पेश करें, उनका तारुफ भी हो जाएगा, आप लोग महसूस भी होंगे। डॉक्टर सलाम साहब आएंगे और मुख्तसर इजहार याद करेंगे आपकी तालीम में। डॉक्टर सलाम साहब फैसलाबाद से हैं और ये वहाँ के मुकामी अखबार में लिखते हैं, ये किस अखबार से खुद अपना तारुफ करें, खुदा उनके बरकत को फजल चला दे, उसे भी खुशनाम मिली। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और मेरी तरफ से और फैसलाबाद की पूरी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस मुबारक हो। मेरा तल्लक रोजनामा रोशन ख्याल कला एडिटर हूँ, और आज हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बड़े इवेंट्स के लिए, जो बिलखसूस हम शुक्रगुजार हैं भाई काशिफ के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, और शुक्रगुजार रहा थी बिशप साहब का कि वो अपने ये मुझे कहना इसमें ये लाजमन है कि आज इस क्रिसमस के मौका पर एक पादरी साहब हम के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बिशप साहब यहाँ मौजूद है, तो जैसे नासिर भाई कह रहे थे कि कुछ अभी खिड़की खुली है,
तो मेरा ये मानना है कि खिड़की भी खुली बात है, पूरा यीशु मसीह ने सहाफियों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अब हमें अपने ईमान के मुसास से आगे बढ़ना है कि हम किस ईमान से, बाकी अगर हम क्रिश्चियन सहाफी है, अगर मसीह सहाफी है, मसीह की ये जमात है, तो मसीह की खुशबू हमें नजर आनी चाहिए, इत्तेहाद मोहब्बत भाईचारा नजर आना चाहिए। दरवाजा यीशु मसीह ने खोल दिया है और दरवाजे के जो जमीनी मंसूब है उन्होंने बिशप साहब की सूरत में, फादर साहब की सूरत में, फादर साहब की सूरत में हमें वो हमारे साथ अटैच कर दिए। तो खुदाम के कलाम लिखा कि जब इंसान को खुदा की खुदा को इंसान की रक्षा पसंद आती है तो उसके दुश्मन भी उसका दोस्त बन जाते हैं। तो आज बिशप साहब का हमारा दरम्यान में यहाँ मौजूद होना, जितनी छोटी मोटी सहाफियों से गलती गुजारी वो खुदा ने आपको माफ किया है। आप मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की और अपनी कौम की तरक्की की और फलाह के लिए काम करेंगे। खुदा दब के साथ बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने जब सहाफत में कदम रखा था तो मैं रोजनामा अपने से अवस्था हुआ तो जिया शाह साहब अब उनकी डेथ होती है, तो उन्होंने एक बात हमें बताई थी। उन्होंने कहा कि बात का एक लफ्ज़ कीमती होता है, तो कहते हैं अच्छा सहाफी वही होता है जो खबर बनाए वो 20 लफ्जों की अगर हो तो सिर्फ 3 लफ्ज इस्तेमाल करे। तो मुझे खुशी है यहाँ पर जितने सहाफी अब तक आए हैं सारे प्यार किए हैं, वो सब अच्छे सहाफी हैं, उन्होंने आपका टाइम जाया नहीं कर लगे मेरे अलावा। तो अब मैं एजाज जाज साहब से गुजारिश करूंगा, एजाज जवाज साहब से सीनियर सहाफी हैं, मेरे इदारे से भी वो बसता रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और वो ही छोटा सा टैबलो पेश कर दें ताकि एक थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा, उसके बाद हमारे लिए मौका होगा कि मेहमान ग्रामी की बात सुनेंगे। एजाज जाज साहब आज का डॉन टीवी से बसता है और मोस्ट सीनियर कैमरा मैन है, जर्नलिस्ट है, प्रेस क्लब लाहौर के मेम्बर हैं। बहुत शुक्रिया स्नेहेंद्र साहब। मैं बस ये कहूँगा कि जब जियो में थे तो सेठराज साहब के साथ बहुत काम किया, तो बस एक डायलॉग मैं सुनील अजमल साहब की, आप इतने खूबसूरत हैं जवानी में तो वर्दी का पी है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों और सीजीएम का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मधु किया और समीर साहब का भी उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं स्टेज पर अपना इजहार ख्याल कर सकूं। जैसा कि बात हो रही थी, समीर साहब ने भी आपको बताया कि मैं डीडी और फाफन के साथ काम करती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि मैं उन जर्नलिस्ट में शामिल हूँ जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जो हमारे मिनोरिटीज हैं ये भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। और कभी भी मैंने ये अलग नहीं समझा, कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारे पाकिस्तान का पार्ट नहीं है या ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है। तो जैसे हम अपने मुसलमान धर्म भाइयों के लिए काम करते रहे हैं और मैं अब तक उसी तरीके से काम कर रही हूँ। हमारे चैनल्स के लिए कुछ मजबूरियां होती हैं, इंटरनेशनल चैनल्स हैं, हमें अलाउ नहीं होता
और बहुत सी पॉलिसीज होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सहाफत करनी पड़ती है। सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम वहाँ को नहीं कह सकते जो कि हम कहना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर हमने बकायदा अपने यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर हम लोग करते हैं, और बल्कि जब मैंने कुछ कॉलम में पब्लिश करवाती थी तो मेरे जो सीनियर्स या मुस्लिम दोस्त उनको दिखाती थी तो अक्सर मुझे सुनने में आता था कि तुमने कहीं अपना मजहब तो चेंज नहीं कर लिया। तो ऐसी चीज़ें, ये बड़ी चीज़ है कि वो मैंने बर्दाश्त की हुई है, और अभी भी अगर मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगी। अब बात कर लेते हैं आज के सीजन के हवाले से। हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्रिसमस का त्यौहार जो है इंतहाई मुकद्दस और पुरमसर है। जैसे मुसलमानों के लिए ईद का त्यौहार होता है, वैसे ही क्रिसमस मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी उतना ही खास है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जितने मुनवर आपके लिए हैं उतने हम मुसलमानों के लिए भी हैं। हमारा भी ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और हम उन्हें मानते हैं और दिल से उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी की आप लोग करते हैं। और अल्लाह ने तकरीबन 1,24,000 पैगंबर जो थे वो दुनिया में आए थे, और उन्होंने आकर इंसानों को जितने भी नबी आते रहे हैं उन्होंने सबने यही आके बताया है और इंसानों को हदायत ही दी है, ठीक है। और क्रिसमस का जो दिन है वो इस अहद को ताजा करने का दिन है, उस अहद को ताजा करने का दिन है जो इंसान ने अहद अपने रब से किया था कि वो हमेशा अपने रब की इबादत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, इखलाकी बुराइयों से दूर रहेंगे और किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम सब जो हैं, हम सब का एक वतन है और वो पाकिस्तान है, और इसके लिए दी गई हमारी कुर्बानियां भी एक हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम मुसलमान एज अ मुस्लिम हम लोग पाकिस्तान के लिए जो करते हैं वो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो बाकी मजाहब हैं, जो हमारी मिनोरिटीज हैं, हमारी अकलीतें हैं, वो नहीं करती। जितनी कुर्बानियां हमने इस वतन के लिए दी हैं उसमें आप लोग भी बराबर के शरीक हैं। वो आज़ादी का मौका था या फिर 1965 की जंग का टाइम था, उसमें भी इसमें हम लोग जो नहीं भूल सकते वो हमारे बहादुर जवान, आप सब उनके बारे में वाकिफ भी हैं और हम लोग भी कभी नहीं भूल सकते। हम ये नहीं कह सकते 1965 की जंग थी तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, नहीं, हमारे जो मिनोरिटीज हैं, हमारे अकलीतें हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बराबर के शरीक रहे और बेवकूफों वतन उस जंग में अपना किरदार अदा किया। मैं जिक्र कर रही हूँ, आप लोग सब जान चुके होंगे कैप्टन सीसल चौधरी साहब का, जिन्होंने 1965 की जंग में जो हमारे मुखालिफ थे, हमारे दुश्मन थे, उनके कई प्यारे तबाह किए और उनको कमरे इतिहास से भी नवाजा गया था। और ये क्रिसमस का दिन हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा अहमियत का हामल रख है, इसमें हमारे जो कायदे आज़म हैं उनकी भी पैदाइश का दिन है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँ खुशकिस्मती से मेरी पैदाइश का दिन भी जो है वो 25 दिसंबर है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई सुनील साहब, चूंकि ये हमारी सहाफ़ी बरादरी जो है, हमारे जर्नलिस्ट सहाफ़ी सारे दोस्त बैठे हुए हैं तो उनके लिए इस नशिस्त का बकायदा एहतमाम किया गया है और डिनर का भी। तो मैं इससे पहले कि मुझे पकड़ के साइड में किया जाए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी बहुत कुछ बोलना मैं चाहती थी, और मैं कोई भी इवेंट होता है स्पेशली जैसा कि अभी सुनील साहब ने भी बताया था कि मैं अटेंड करती हूँ, मैं नोटिस के हवाले से मुझे कभी भी मौका मिलता है तो मैं अटेंड करती हूँ और मैं जाती हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि आप लोगों के मसाइल क्या हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं अपने ख्याल का इजहार करूँगी। बहुत शुक्रिया। तमाम मसीही सहाफ़ी मेरे बहन भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। आज की शाम बड़ी खूबसूरत शाम है कि हम मिलजुल कर क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए
इकट्ठे हुए हैं। यकीनन यीशु मसीह की आमद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बशारत है, और ये बशारत जब खुदा के फरिश्ते ने चरवाहों को दी थी तो उनको कहा था कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। लिहाजा यहां पर दो बातें वो आते हैं, एक पहली बात कि डरो मत और दूसरा खुशी की बशारत, कि जिनको ये बशारत दी गई है उनके लिए लाजमी शर्त है कि वो डर से आजाद हो। खुदा चाहता है कि उनकी जिंदगी से सबसे पहले डर को खत्म करना, ताकि वो जुर्रत के साथ इस खुशखबरी के मुबश्शिर बन सके। और सहाफत का जो मिशन है ये सच्चाई का मिशन और जमहूरियत की खिदमत है, सच्चाई की खिदमत है, जो कि बहुत बड़ा मिशन है। और ये डर में खौफ में मुबतला होकर ये खिदमत ये मिशन सरंजाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए सबसे पहले डर और खौफ से आजाद होना ये लाजमी शर्त है। खुदा के फरिश्ते कहते हैं कि डरो मत, जिसका मतलब ये है कि जो बशारत लेने वाला है, दो बातें, एक बशारत लेने वाला है और एक बशारत देने वाला है, तो सबसे पहला असर जो है इसका, इस बशारत का, खुशखबरी का, जो इस बशारत को सुनने वाला है उस पर असर अंदाज होना इस बशारती पैगाम का, वो एक लाजमी चीज है। तो जो बशारत देने वाला सुनने वाला है वो इस डर और खौफ से आजाद हो सके, ताकि वो इस बशारत का मुबश्शिर बनकर इस निजात की खुशखबरी को दूसरों तक फैलाने वाला बन सके। और हम आज की शाम पाकिस्तान भर से तमाम सहाफी बहन भाई यहाँ पर मौजूद है, मैं काशिफ भाई की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जोरदार तालियों के साथ। यकीनन सहाफत एक ऐसा मिशन है जिस पर आज बातचीत की जाएगी, और काशिफ भाई जब उनके साथ हम मिलजुल कर तैयारी कर रहे थे आज के इस सारे प्रोग्राम की, तो उन्होंने एक और बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी, वो कहने लगे कि मैं हर साल सहाफी बहन भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ और इस तंजीम के जो मकसद है, जो विजन है, वो भी शेयर करता हूँ। तो इस दफा क्योंकि आप होस्ट हैं तो मेरी तरफ से आप ये वेलकम भी करें और सहाफी मसीही बहन भाइयों का ये जो हमारा ग्रुप है, नेटवर्क है, इसको भी बयान करें। तो इस ऑनर के लिए मैं काशिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी जोरदार तालियों के साथ। काशिफ भाई थोड़ा सा अंदर आ जाए ताकि आप तक भी मेरी आवाज से, क्योंकि आपकी तारीफ हो रही है तो मैं चाहता हूँ आप इसमें दो बातें हैं जो मसीही सहाफियों की इस तंजीम के दो बड़े मकसद हैं। सबसे पहला मकसद जो अकलीतें हैं पाकिस्तान में उनकी आवाज बनना, हम सब जो सहाफी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा सबसे पहला मकसद जो है इस नेटवर्क का, हमारे इकट्ठे होने का वो अजीम मकसद, वो मिशन वो ये है कि हम अकलीतों की आवाज बन सके, बच्चे, औरतें, ट्रांसजेंडर, हम ऐसे बे आवाज तबके की आवाज बन सके, उनके इंसानी हकूक और इंसानी अजमत का दफा कर सके। लिहाजा पाकिस्तान में हमारा जो मसीही सहाफियों का नेटवर्क है इसका मकसद जो है वो इंसानी हकूक को फरोग देना है और इंसानी अजमत को फरोग देना है। इस तंजीम का मकसद ये भी है कि हम अपने सहाफी बहन भाइयों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके लिए भी अपनी खिदमत पेश कर सके और इसमें भी अपना करदार अदा कर सके।
कैपेसिटी दे दी कि जो प्रोफेशनल है बहन भाई और जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं दोनों लेवल पे ऐसे ट्रेनिंग्स का इनका करना भी हमारे मकसद में शामिल है कि आने वाले दिनों में हम ट्रेनिंग वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेंगे और सिर्फ साल में एक प्रोग्राम काफी नहीं है। हमने इस बात पे गौर किया है कि साल में सिर्फ एक प्रोग्राम काफी नहीं है बल्कि हम वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे भी मिलकर मनाए। क्रिसमस का जो एक प्रोग्राम है सालाना इसको भी जारी सारी रखे और ये दूसरा सवाल प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि काशिफ भाई और तमाम ऑर्गेनाइज टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि हमने इस नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ जो सेलिब्रेशन है इस सिलसिले को भी जारी सारी रखना है। लिहाजा इस मसीह साहबियों की तंजीम का जो मकसद है जो विजन है वो बेआवाजों की आवाज बनना है और इसके साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना भी है अपने तजर्बा एक दूसरे के साथ बांटना है। इससे हमें एक नई बसीरत एक नई रोशनी मिलती है कि हम किस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं क्योंकि खासतौर पर पाकिस्तान में सहाफत एक मुश्किल काम है और ये दिन ब दिन मुश्किल तरीन होता जा रहा है और ऐसे दौर में हम जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने तजर्बात बांटते हैं तो इससे हमें तकलीफ मिलती है इससे हमें नए जीवन का हौसला मिलता है कि हम अकेले नहीं रहते मैदान में बल्कि हम सब मिलजुल कर एक ही मिशन और एक ही रोया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अशोक भाई की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जोरदार तालियों के साथ। हमारा ये आज का जो ये इवेंट है क्रिसमस का ये जो प्रोग्राम साफियों के एजाज में मुनक्के किया गया था इसमें पाकिस्तान भर से साफी शरीक हुए हैं। असगर रहमत साहब काड़ा से मौजूद हैं हम उनके लिए तालियां बजाएंगे वो बहुत दिल से आएंगे। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देना चाह रहा हूँ उनके लिए चंद इशार पढ़ना चाहूँगा। ये शख्स चाँद है निकला तो रोशनी इसकी ये शख्स चांद है निकला तो रोशनी इसकी जमीने अर्ज पे हर सिमत फैल गई ये शख्स फूल है महका तो रोशनी इसकी चहार फूल गुले बहार की मानव की फैल गई ये शख्स आग है दहका तो इसकी हिद्दत से दिलो निगाह से नफरत की सारी मैर गई मैं जानता हूँ मेरे घर से रस्म जुल्मत की मैं जानता हूँ मेरे घर से रस्म जुल्मत की अगर गई तो इसी शख्स के फैल गई। मेरी मुराद है इज़्ज़त मां बिशप हंफ्री पीटर साहब आपकी मजबूत तालियों में और किसी के आप के मेरा भी तालियों में जो उसे सारे सुना भी आप आते हैं जो उसे सब का आप क्या रही है आपके हैं किताबों से तालियां बजती हैं जिसे प्लीज प्लीज बैठें। आप देखे उनको तो उसके नाम से बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें ये मौका दिया काम करें कि क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करें और इसके साथ साथ मेरी और आपकी जिम्मेदारियाँ जो हैं एक पाकिस्तानी होते हुए उनको भी अपने आप को याद दिलाएं और सबसे बढ़कर ये हमें आपको याद दिलाते हैं कि गुलाम यीशु मसीह का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात है जो मसीहों को नहीं भूलनी चाहिए और इसको हम मुझे और आपको समझ के आगे चलना है और जर्नलिस्ट के लिए तो मैं हमेशा आपको पहले से भी कहता हूँ आप लोग चाहें तो इनकलाब आ सकते हैं आप लोग चाहें तो बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ वो भी अपनी जगह से रेजा रेजा हो सकते हैं और इसलिए कोशिश ये थी कि जितने भी आप लोग हैं वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ें और बहुतों के लिए बड़ी ब्लेसिंग का बायस ठहरे रहे। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें मैं जल्दी से चाहूँगा कि एक मिनट की खामोशी के लिए हम खड़े हो जाएं क्योंकि हमारे बड़े सीनियर पादरी साहब थे लाहौर के
मैं जब पहुंचे हूँ पादशाह महराज तो वो अभी खुदावन में सो गए हैं, तो उनके लिए हम वो हैं एक मिनट की मौशी करेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे और खुदावन उनके खानदान को तसल्ली देंगे। ठीक है, आसमान और ज़मीन के बनाने वाले खालिक और मालिक परवरदिगार, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे तमाम इलाही इंतजामात के लिए। तू हमें इस दुनिया में भेजता है और अपनी मर्जी के मुताबिक खुदावंद हमें अपने पास भी बुला लेता है। तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु के लिए जिसने हमसे फरमाया था, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ हो। इस बड़ी तसल्ली के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद। इस वक्त हम सब एक दिल एक जान होकर पादरी शाहिद महराज के लिए शुक्रगुजार हैं, जितना वक्त उन्हें उसे इस दुनिया में दिया, अपने ख़ानदान के लिए दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। तुझे पसंद आया कि तेरा बंदा तेरा बच्चा तेरे पास वापस आ जाए, तो तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद उसके तमाम अजीज़ व कारब को, फैमिली मेंबर्स को अपना वो इत्मीनान अनायत करना जो समझ से बिल्कुल बाहर है, ताकि उनकी बर्दाश्त और उनका सब्र हम सब के लिए ईमान की मजबूती का बायस ठहरे खुदावंद। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जितना वक्त उसने कलीसिया के साथ गुजारा, अपने दोस्तों के साथ गुजारा, उसके लिए भी तहदिल से शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद मसीही होते हुए हम जानते हैं कि तू नहीं दिया तू नहीं ले लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो खुदावंद। उनके खानदान को और हम सबको बड़ी तसल्ली देना यीशु के नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। एकदम इसके बाद थोड़ी सी दूसरी बात पे शिफ्ट करना ना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ खुदा यीशु मसीह की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की तरफ बाद में आऊँगा। मेरा ख्याल है जितना जितनी जज्बे से नूरुल अहम ने आके अपने ख्यालात का इजहार किया है, उसके लिए मेरे ख्याल नूरुल अहम के लिए हमें हैप्पी बर्थडे तो गा लेना चाहिए सबको। जल्दी से गा लीजिए हैप्पी बर्थडे नूरुल अहम के लिए, थैंक यू के साथ। नूरुल अहम थैंक यू फॉर ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आप जितनी भी हमारे मसीही कौम के लिए, हम जितनी भी माइनॉरिटीज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल को जल्दी से गा लें हैप्पी बर्थडे टू यू। जी मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने ये दावत दी कि इधर आ सकें। मैं थोड़ा जेलस फील कर रहा था कि बार बार आप मरी का नाम ले रहे हैं। मरी नहीं गए थे आप? अच्छा, केपी का इलाका है वो है डोंगा गली। तो मैं थोड़ा कह रहा था कि थोड़ा सा वो डोंगा गली है, वो पेशावर डायसिस की कैंप सेंटर है, रिट्रीट सेंटर जो कि हमने बनाया था, और खुदा उनकी मर्जी हुई। और जो सबको होगा तो फिर ज़रूर आना, पेशावर डायसिस का वो है हमारा कैंप सेंटर है, डोंगा गली में भी है, हमारा अयूबिया में भी है, हमने बनाया है, हमने खैरा गली में भी बनाया है। ये जगह हमने आबाद की है, खैरा गली हमने खुद ख़रीदा है। तो इसलिए मैं कहता कि ज़रूर आना। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सारे आए उधर, और काशिफ के खास कर काशिफ ने ये पेन ली के सारों को इकट्ठा कर सके। इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक दूसरे के साथ उलझे होते हैं, दूरियों को ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं, कुर्बतों को हम इतने प्रमोट नहीं करते हैं, दूरियों को ज़्यादा ले के सामने आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक रूहानी बात है और ये साथ लेके जाना, ये ना समझना कि एज अ प्रीस्ट होते हुए या एक रूहानी रहनुमा होते हुए जो भी समझे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि जितनी आप नफरतें दिल में डेवलप करेंगे, वो नफरतें दूसरों को नुकसान नहीं देंगी,
मुझे ही दें कि नुकसान अगर मैं नफरत डेवलप करूंगा, मेरी पर्सनैलिटी खराब होगी, मेरा उठना बैठना डिस्टर्ब होगा, और जो नफरतें मैं बांटूंगा वो नफरतें मेरी तरफ वापस आएंगी। ये खुदा ने क्या कहा था, जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ, और नफरतें बांटेंगे तो क्या होगा, नफरतें वापस आएंगी, प्यार बांटेंगे प्यार वापस आएगा। ये बिल्कुल वो टेनिस बॉल की तरह होता है, मारेंगे वो वापस आएगा। तो आज से कोई बड़ी बात नहीं, जो नहीं आ रहे, जो खफा हैं, नाराज हैं, कोई बड़ी बात, आप उनके लिए फिर भी बेहतर सोचना, अच्छा सोचना उनके लिए, और देख लेना वो ऑटोमेटिकली खिंचे चले आएंगे। और इसके साथ साथ ये है कि जो आपकी जिम्मेदारी है उसको मैंने और आपने नहीं भूलना। अक्सर औकात हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि खुदाया कौन सी जगह पे तूने हमें रख लिया है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, महंगाई इतनी है, सारा कुछ ही है। गिलों शिकवों के बजाय अगर मैं और आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं इस प्रॉब्लम में भी, इस मायूसी में भी दूसरों के लिए ब्लेसिंग का बायस कैसे बन सकता, तो खुदा बहुत ब्लेसिंग देनी शुरू कर देता है, बहुत ब्लेस करता है, बहुत संभाल के रखता है। हमारे भी बड़े इल्ज़ाम होते हैं ना जी, पादरी और बिशप चंदे खा गए हैं, पैसे खा गए हैं, पैसे मंगा लिए हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है, और जिन तरीकों से हम लोग, आपको नहीं पता कि जिस तरीके से ट्राइबल एरिया में या सिंध इंटीरियर सिंध में माइनॉरिटीज रहती हैं, आप वो सोच भी नहीं सकते, आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। कभी वक्त आएगा कि काशिफ को मैं कहूंगा कि काशिफ एक टीम बना और मेरे साथ उन इलाकों में चले, जब जाके आप ट्राइबल एरिया में, बॉर्डर एरियाज में जब देखेंगे कि वहाँ पे माइनॉरिटीज, और केपी में तो मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटीज में वो मसीही हैं, बहुत कम हिंदू हैं, बहुत कम सिख हैं, जो सिख थे वो सारे शिफ्ट हो गए हैं पेशावर में और इसके बड़े शहरों में, लेकिन मसीही अभी तक उधर ही हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मसीही वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वो खुद लोग मुझे कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग का बायस है। इस चीज़ को मैंने और आपने हाथ से नहीं जाने देना। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, दाना पानी होगा तो वीजा लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जहां पे दाना पानी हो, जब तक नहीं है तो यहां तो बैठ के एंजॉय करें ना अपनी जिंदगी को, कोई नहीं, जो थोड़े में शुक्रगुजार है खुदा उसे बहुत बड़ी चीजों का मालिक बना देता है। ये मैंने अपनी पेशावर डायसिस में देखा है, पेशावर डायसिस में खुदा ने हमें बहुत बरकत दी है जिसके लिए हम बड़ी शुक्रगुजार है खुदा की। बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलप की, बनाई, और ख़ासकर अभी मैं 21 तारीख को, आपने पता नहीं नाम सुना होगा, बाजौड़ का एरिया जहाँ पे 40 हमारे फौजियों को अमेरिकन हेलीकॉप्टर ने मार दिया था कि वो चौकी के बीच में तालिबान उस साइड पे भागे, और यहाँ पे कोई 400 सिर्फ मलक मारे गए थे तालिबान के। अभी मैं 21 तारीख को उधर एक चर्च नया हमने बनाया है तो उसकी मैं कॉन्सिक्रेशन करने जा रहा हूँ। अभी स्वात में हमने चर्च बनाया है, नासिर मेरे साथ ही थे स्वात में, उधर बनाया है। तरबेला में हमने चर्च बनाया है, लंडी खोतल में हमने बनाया है चर्च, और अभी बाजौड़ में जो है उसकी हम ऐसे ऐसे नाम है मेरे ख्याल, जो आपने आंगू का नाम पता नहीं सुना कि नहीं सुना आपने, लेकिन ये है कि ये सारी बरकतें हैं जहाँ पे हम ये नहीं कहते प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे खुदा ने बरकतें भी बड़ी दी हैं। ये 5% कोटा जो हुआ है पेशावर में, पंजाब में भी बहुत दुनिया गई है, लेकिन पेशावर में बहुत सारे हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, आईबी में गए हैं, कस्टम्स में गए हैं, एफआईए में गए हैं, पुलिस में गए हैं। मुझे जो गार्ड मिले हुए हैं वो पुलिस सारे क्रिश्चियंस हैं, और इसके बाद क्या कहते हैं, और इसके बाद जो दूसरी बात है, मुझे और आपको शुक्र करना चाहिए इस बात के लिए भी कि ठीक है बुनियादी हकूक पे हमारी जंग जारी है, जिसे कहते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसके लिए हमारी जंग जारी है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा ने बरकतें भी बढ़ दी है। जब हम टीन एज में थे तो हम नहीं सोच सकते थे कितनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कैरिकुलम में तब्दीली आई है,
कैरिकुलम अगर देखें तो प्राइमरी क्लास से अब उसमें चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, अब उसमें दूसरी मिनोरिटीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी मसीही हैं, पाकिस्तानी हिंदू है, पाकिस्तान। और अभी 4 से 5 दिन पहले मैं सेंसस दोबारा देख रहा था तो 800 पाकिस्तान में यहूदी भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा है, पारसियों की तरह रहते हैं, लेकिन और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ सारा कुछ, ये आपकी कलम की वजह से हुआ है, यकीन करना, सहाफियों की वजह से हुआ है। और आप जितने और डोरलैंड जैसे जितने सहाफी हैं, जितने हमारे वेलविशर्स हैं, उनकी वजह से हुआ है। और इसके बाद ये चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं और हमने पॉजिटिविटीज को देखना है, नेगेटिविटीज को साइड पे रखना है, और खुदा करेगा कि और भी बेहतरी आएंगी। मैंने और आपने भूलना नहीं है, कभी भी मसीहों ने नहीं भूलना, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। किसने कहा था? एस पी सिंह का साहब ने नारा मारा था और उसके बाद पाकिस्तान बना था। वरना कांग्रेस ने क्या कहा था? जिसने मांगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान, जिसने मांगा पाकिस्तान उसको। तो ये बातें हैं, चेंजेस आ रही हैं और इन चेंजेस में आपने और ज्यादा एक कदम आगे जाना है, एक कदम और आगे जाना है। आपकी जो अखबारों में तहरीरें आती, ये मत समझना कि वो नहीं। अब हम लोग तो फिरते रहते हैं दुनिया भर में और इधर उधर जब चलते हैं तो फिर हमें आप ही लोगों की तहरीरें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमारे सामने रख देते हैं। इज इट ट्रू? हमसे पूछने ये बात सही है कि नहीं है, इसमें है, इसका मतलब वो चीजें जा रही है पास। और कितने चेंजेस आ जाते हैं, कितनी बातें हो जाती हैं, कितने लोगों को ब्लैस्फेमी लॉ से बाहर निकल गए हैं। अभी पिछले दिनों मैं उसके आसिया बीबी के साथ ही था, डेनमार्क में उसी के साथ था मैं। तो ये सारी बातें हैं, इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, दिल चोटे नहीं करने। जो नाराज हैं, खफा होते हैं, उनके लिए बुरा नहीं चाहना, बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं चाहना, बल्कि उनको मनाते रहना। और मेरी रिक्वेस्ट होगी काशिफ से कि काशिफ इस वक्त आने वाले दिनों में जब दोबारा आप अपना ये करें, ट्रेनिंग कैंप करें, और ज़रूर करना, एक चेंज हो जाएगा आपके लिए। और अभी तो हमने वो जब जितने आए थे बेटे हमारे, बच्चे आए थे उस कैंप में, अभी बहुत बड़ा हॉल बना दिया हमने, उधर साइड पे बहुत बड़ा हॉल बना दिया ऊपर है, तो वहां जरूर आना, आगे जरा चेंज हो जाएगा, अच्छा लगेगा और आगे बढ़ोगे। और ये चीजों को हम और ज्यादा कोशिश करेंगे फादर जी के साथ मिलके, बिशप साहब के साथ मिलके कोशिश करेंगे, थोड़ा और इसको आगे लेके जाए। हमेशा क्या वो चाइनीज का एक वो है ना, बड़ा अच्छा वो है, मुहावरा है कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद द वन स्टेप। छोटे स्टेप से हजार मीलों का सफर शुरू होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल दिल ना छोटा करें। आप जितने भी बैठे हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, खुदा ने आपको ये हिम्मत दी है, ताकत दी है, जोर दी है, कुव्वत दी है और एक वलवला दी है। नेगेटिव ना होना, बस मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, क्योंकि नेगेटिविटीज जो है वो वापस आपको हिट करेंगे। मेरी बात बिल्कुल यकीन से सुन लेना, ये आपको हिट करेंगे। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटीज आपको ग्रो करेंगे। और ये स्पिरिचुअल चीजें हैं, रूहानी दुनिया से हम बाहर नहीं निकल सकते, कोई बाहर नहीं निकल सकता रूहानी दुनिया से। मतलब रूहानी दुनिया को हम देखें, अभी मोबाइल खोलेंगे ना तो अभी न्यूयॉर्क में मैं एक सेकंड में बात कर लूंगा, चेहरा भी देख लूंगा। ये लहरें कहाँ से आई हैं जिसके ऊपर तस्वीरें जाती हैं? ये लहरें कहाँ से आई हैं जिसके ऊपर आवाज एक आधे सेकंड में ट्रेवल कर देती है? किसी साइंटिस्ट ने इनको वो किया है, बनाया? किसी ने नहीं बनाया। ये कुदरत में छुपी हुई हकीकतें हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, ब्लेसिंग्स हैं कुदरत में छुपी हुई। बिजली को देख लें, लाइट को किसी ने नहीं देखा, करंट को कभी नहीं किसी ने देखा, महसूस किया है। लाइट देखते हैं, हाथ लगाते हैं, करंट लगता है, पता चल जाता है कि कितने पानी में है, लेकिन देखा किसी ने। ये ताकतें कुदरत की जो छुपी हुई है कायनात के अंदर, ये लीड करती है हमें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ।
और जो कौमें स्पिरिचुअल साइड पे नहीं जाती वो खत्म हो जाती है, टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है। देख लें, बहुत बात करते हैं कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की, किधर गया कम्युनिज्म? क्यों? उसके बीच में स्पिरिट नहीं थी, उसके बीच में सारी दुनियावी बातें थी। हम हीरो बनते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है उसका असर स्पिरिचुअलिटी के बगैर इम्पॉसिबल है। जितने आप वाइटमिन खाते हैं उसमें ताकत, वो तो वैसे गोली को ऐसे करके चुप करें तो वो बन जाएगी, मट्टी बन जाएगी, उड़ गई। उस मट्टी के छोटे छोटे अनदेखे जरों में ताकत कहाँ से आ जाती है? ये चीजें हैं जिनको मुझे और आपको अंडरस्टैंड करना है। तो इसी तरीके से खुदा ने मुझे और आपको और खासकर आप लोगों को बड़ी बरकत दी हुई है। इस बरकत को हाथ से नहीं जाने देना, इस बरकत को हाथ से अपने जाने दिया तो फिर आप, हम लोग बहुत खराब होंगे। आप लोग हमारा फख्र हो सहाफी, आप लोग हमारी शान हो, आप लोग हमारा चेहरा हो। आपने अब पॉजिटिव रह के थोड़े में भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और खुदा बड़ी चीज़ों का मालिक बना देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताने शुरू कर दूँ तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि खुदा कहाँ से संभालता है, कहाँ से गले लगाता है, कहाँ से वो करता है और किस तरीके से आगे लेके जाता है। मैं लगा या खुद नमाई के लिए नहीं करने लगा, जब मैं पेशावर डायसिस में आया, जब मैं पेशावर डायसिस में मैंने टेक ओवर किया, मैंने टेक ओवर किया था एज जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद फिर मैं बिशप बना था। तो हमारे पास एक टूटी हुई गाड़ी थी हमारे पास पेशावर डायसिस में। आज पेशावर डायसिस ने अरबों की जमीनें खरीदी और उसकी हकीकत यह है, गाड़ियां तो खुदा का शुक्र है, गाड़ियां वाड़ियां खुदा का शुक्र है, छोटी बात है, लेकिन अरबों की ये जो डोंगा गली जहां पे आप गए थे, जहां पे ये सेंटर, चार दफा मेरे पे FIR कटा था इधर, चार दफा बिशप होते हुए कटा था कि जी ये आप बना नहीं सकते। खुदा ने मदद करता है, थोड़े में जो वफादार है, थोड़े में जो खुश है, खुदा उसको बड़ी चीज़ों को मालिक बना देता है। और ये चीज़ें हाथ से नहीं जाने देनी। और मसीहों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, मसीहों के लिए एक फ़र्क बात है, खुदा ने यीशु मसीह का जन्म ही इसलिए हुआ था कि खुदा के साथ जो रिश्ता टूटा हुआ है उस रिश्ते को बहाल कर दे, उस रिश्ते को अच्छा बना दे। और फिर अगर आप जब भी कभी दूसरा करंथियों उसका पांचवा बाब उसकी 17वीं 18वीं आयत से नीचे चल जाते देखेंगे ना, तो उधर क्या कहा था पौलुस रसूल ने, खुदा ने खुदा यीशु मसीह के जरिए बनी नो इंसान का मिलाप अपने साथ कर लिया, जो मिलाप बागे अदन में टूटा था, जो टूट गया था वो अपने साथ कर, और उस मेल मिलाप की जिम्मेदारी, उस मेल मिलाप की जिम्मेदारी उसने खुदा यीशु के पैरोकारों को दे दी है, मुझे और आपको दे दी है। इसलिए आगे चल के फिर जब देखेंगे ना, कहते हैं यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, आप यीशु के एलची हो, आप यीशु का जिंदा खत हो। तो अपने आप को जरा उस पहराए में लेके आना कि मैं यीशु का एलची हूँ, मैं यीशु का जिंदा खात हूँ, मैंने दूसरों के लिए ब्लेसिंग बननी है, जैसे खुदा बाप खुदा यीशु मसीह खुद ब्लेसिंग है, वैसे मैं चूंकि एलची हूँ मैंने वैसे ब्लेसिंग बननी है। तो देखते हैं ये ब्लेसिंग्स आप समेटते रहेंगे, आज से ट्राई कर लेना। अच्छा मैं सही बता रहा हूँ, आज से ट्राई कर लेना, नफरतों को एक साइड पर रखना, उनको बाहर निकाल देना, पॉजिटिविटीज को, और इनको आगे लेके आना और खुदा बड़ी बरकतें देगा। मैं भी कहता था कि पादरी पिशपों को इस जगह नहीं खड़ा करते, अच्छा वरना वो सरमन देने शुरू कर देते, बहुत सरमन देने शुरू कर देते। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ काशिफ का, काशिफ भूलता नहीं है, गाए बगाए इन टच रहता है, समीर के शुक्रगुजार हैं, इतनी बड़ी इतना अच्छा ज़बरदस्त आपके पास स्टेज सेक्रेटरी है, आप सब के शुक्रगुजार हैं, और उन तमाम बच्चों के, बहन भाइयों के, अजीज़ों दोस्तों के जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। खुदावंद आपको अपने मजबूत रखे, और इस क्रिसमस पे नहीं भूलना मैंने दूसरों के लिए ब्लेसिंग कैसे बनना है, बस दूसरी बात नहीं।
मैंने किसी को तंग नहीं करना है, मैंने दूसरों के लिए ब्लेसिंग कैसे बनना है। खुदा आसमान के दरीचे खोल के ब्लेसिंग देनी शुरू कर देंगे। खुदा उन आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। बहुत शुक्रिया बिशप साहब।